खबर कोटा जिले से है, जहां संयुक्त किसान समन्वय समिति के केशोराय पाटन शुगर मिल को शुरू करने और फसलों के लिए समय पर पानी शुरू करवाने को लेकर संभागीय आयुक्त उर्मिला रजौरिया को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा। बता दें कि किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि गिरिराज गौतम के नेतृत्व में शुक्रवार को सैकड़ों किसान संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसान नेता गिरिराज गौतम ने बताया कि सरकार ने चुनाव के बाद शुगर मिल के संचालन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, लेकिन इस विषय में शासन ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार द्वारा दोनों मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं दिया गया तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास जयपुर तक ट्रैक्टरों से कूच करेंगे। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। इस क्षेत्र की दो प्रमुख मांगे, जिसमें पहली है हाड़ौती की जीवनदायिनी केशोराय पाटन शुगर मिल का पुनः संचालन अविलंब शुरू किया जाए, जिसका आश्वासन सरकार ने चुनाव से पूर्व किसानों से किया था, वादा किया था। उस वादे को याद दिलाने हम यहाँ आए कि जल्द से जल्द शुगर मिल का संचालन आरंभ हो। साथ ही अभी जो हमें तुरंत जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है 1 जुलाई से नहरी पानी। हमने आज संभागीय आयुक्त महोदय को बता दिया है कि हाड़ौती के किसानों को, कोटा बूंदी पाटन के किसानों को नहरी पानी की आवश्यकता 1 जुलाई से पड़ने वाली है। इसलिए 2 माह के अंदर जितने भी आपके काम चल रहे हैं उन्हें पूरा करा लिया जाए और 1 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ा जाए। अगर 17 जून के पहले इन्होंने लिखित में आश्वासन किसानों को नहीं दिया कि 1 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, तो 17 जून को किसान ट्रैक्टरों के साथ मेगा हाईवे केशोराय पाटन में आएंगे और अपनी दोनों मांगों के लिए जयपुर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे।